इस बार महाशिवरात्रि 13 फरवरी और 14 फरवरी दो दिन मनाई जा रही है। देश के कई जगहों में यह त्योहार 13 को तो कई जगह 14 फरवरी को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त इस दिन शिवलिंग पर भोले शिव को प्रसन्न करने के लिए कई चीजें अर्पित करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें भोले शिव को अर्पित करने से मनचाहा वरदान मिलता है। भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में धतूरा जरूर शामिल करना चाहिए। धतूरे के साथ धतूरे का फूल भी भगवान शिव को अर्पित करना अच्छा होता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर दूध या गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके साथ चंदन, बेलपत्र, बेर और गन्ने का रस, गेहूं, जौ, सफेद तिल चढ़ाने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस भाग के प्रायोजक है सार्थक TMT। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना है और भगवान भोले को खुश करना चाहते हैं तो पूजा करते समय इन नियमों का पालन करें, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। 13 फरवरी दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि व्रत है। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस साल मंगलवार की रात 10:35 पर चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ होगा। 14 फरवरी की रात 12:46 तक चतुर्दशी रहेगा, इसलिए महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 13 फरवरी की आधी रात से शुरू होकर 14 फरवरी तक रहेगा। रात्रि पहले प्रहर पूजा का समय शाम के 6:05 से रात के 9:20 तक। रात के दूसरा प्रहर में पूजा का समय रात के 9:20 से रात के 12:35 तक। तीसरा प्रहर पूजा का समय रात के 12:35 से 3:49 तक। चौथा प्रहर पूजा का समय 3:49 से 7:04 तक। काले रंग के कपड़े ना पहने। महाशिवरात्रि का त्योहार शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन भूलवश शिव जी को प्रसन्न के लिए ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी पूजा पूरी नहीं हो पाती है। पहली बात, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। कहा जाता है कि भगवान शिव को काला रंग पसंद नहीं है, जिसके कारण इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये सभी चीजें भूलकर भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत पसंद होता है, लेकिन केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। शिव की पूजा में तिल नहीं चढ़ाया जाता है। तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव जी को नहीं चढ़ता है। भगवान भोलेनाथ को ये भी पसंद नहीं। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक हैं, इसलिए पूजन में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्वपत्र के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए, खंडित पत्र कभी न चढ़ाएं। चावल सफेद रंग के साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावलों का पूजा में निषेध है। फूल बासी एवं मुरझाए हुए न हों। महाशिवरात्रि पर ऐसे करें शिव पूजा। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर ऊपर से बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। घर के आसपास में शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर भी पूजा की जा सकता है। जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके महाशिवरात्रि का व्रत समाप्त करें। सूर्योदय से पहले ही उत्तर पूर्व में पूजा आरती की तैयारी कर लेनी चाहिए। सूर्योदय के समय पुष्पांजलि और स्तुति कीर्तन के साथ महाशिवरात्रि का पूजन संपन्न होता है। उसके बाद दिन में ब्रह्मभोज भंडारा के द्वारा प्रसाद वितरण कर व्रत संपन्न होता है। यह है महाशिवरात्रि पर व्रत एवं पूजन रखने की पूर्ण विधि। इस विधि को अपनाकर आप व्रत का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। सार्थक इस्पात परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।